हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम बैक टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे जिसका नेम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। ब्लड टेस्ट। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे, ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मेनी डेज। हाउ आर यू नाउ, आस्क्ड आरती। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आता है, वो बहुत दिन से एब्सेंट था स्कूल में। आरती पूछती है, तुम कैसे हो? रजत बोलता है बहुत प्यार से, हाँ मैं अच्छा हूँ। जसकिरत जो थी वो पूछती है, यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट व्हाइल यू वर एट होम। तुमने बहुत सारा गेम्स खेले होंगे या बहुत सारा खेला होगा जब तुम घर पे थे। रजत, हु वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर? ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन, आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट। रजत बोलता है कि कौन खेलना चाहेगा जब किसी को फीवर होता है। सबसे पहले तो मुझे कड़वी मेडिसिन लेनी पड़ती थी और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ। जसकिरत, अ ब्लड टेस्ट? व्हाई, इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। ब्लड टेस्ट क्यों हुआ? बहुत पेनफुल रहा होगा वो सब तो। रजत, एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक्ड माय फिंगर इट फेल्ट लाइक एन एंट बाइट। They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. Now that's how we came to know that I had malaria. तो रजत बोलता है, हाँ दर्द तो हुआ था जब उन्होंने मेरी फिंगर में नीडल को डाला था। ऐसा लगा था कि मुझे किसी चींटी ने काट लिया हो। उन्होंने मेरी 2-3 बूंद ली ब्लड की और फिर उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया। तभी तो मुझे पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी बोलती है, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मस्किटो बाइट्स यू? रजत, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। रजत बोलती, पहले नैन्सी बोलती है कि तुम्हें मलेरिया मस्किटो के काटने की वजह से हुआ। तो वो बोलता है, हाँ पर ये मुझे ब्लड टेस्ट में पता चला। जसकिरत, ये देर आर अ लॉट ऑफ मस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। इस समय मेरे घर में भी बहुत सारे मस्किटोज हैं पर मुझे मलेरिया नहीं है, ये मुझे मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, हु सेज दैट एवरी मस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मस्किटोज। नैन्सी बोलती है, किसने कहा कि हर मस्किटो की काटने से अपन को मलेरिया होगा? मलेरिया सिर्फ उन्हीं मच्छर की वजह से फैलता है जो डिसीज फैलाते हैं। आरती, ऑल मस्किटोज लुक द सेम टू मी। वो बोलती है कि मेरे लिए तो सब मस्किटोज एक जैसे ही दिखते हैं। रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। वो बोलता है कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता है। नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मस्किटोज हैड बिटन यू? क्या उन्होंने तुम्हारा ब्लड वहां से निकाला था जहां से मस्किटो ने तुम्हें काटा था? रजत बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मस्किटो बिट मी? वो बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मस्किटो ने मुझे कहाँ काटा था और कब काटा था? देन नैन्सी बोलती है, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? वो बोलती, पर उनको पता कैसे चला तुम्हारे ब्लड टेस्ट से कि तुमको मलेरिया है? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे ब्लड में कुछ होगा? तो अब अपन को क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। डू यू नो एनी वन हैज मलेरिया? या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसको मलेरिया रह चुका है या मलेरिया है? यस, मलेरिया हैड वंस अटैक्ड माय फ्रेंड। मेरे फ्रेंड को एक बार मलेरिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उनको पता कैसे चला कि उनको मलेरिया है? बाय अंडरगोइंग ब्लड टेस्ट दे गॉट टू नो इट वॉज मलेरिया। उनके ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चला कि उनको मलेरिया है। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? कैसी प्रॉब्लम्स आई थी उनको जब उनको मलेरिया हुआ था? माई फ्रेंड, When she was suffering from malaria, she got high fever and became too weak. उसको जब मलेरिया हुआ तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और बहुत ज़्यादा फीवर था उसको। What other diseases can be caused by mosquito bites? मच्छर के काटने से और कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं?
आंसर इज बाय मस्किटो बाइट वी ऑल्सो गेट अदर डिजीजेज लाइक चिकनगुनिया येलो फीवर डेंगू एटसेट्रा ये सारी बीमारी हो सकती है. इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन. वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स. किस सीजन में मलेरिया जो है वो कॉमन हो जाता है और ऐसा क्यों होता है. मलेरिया इज सीन मोर कॉमनली ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज दैट इज देयर ब्रीडिंग टाइम्स फॉर मस्किटोज. बरसात के टाइम ऐसा ज़्यादा होता है क्योंकि ये उनका ब्रीडिंग टाइम रहता है मस्किटो के लिए. Question 6 is, what do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? Also find out from your friends about what they do. आप अपने घर में मच्छरों से बचने के लिए क्या करते हैं और अपने फ्रेंड के घर में क्या होता है ये आपको फाइंड आउट करना है और आपको लिखना है. Best things to protect ourselves from mosquitoes is to use mosquito repellent. My friend also use mosquito nets, mosquito repellent cream. They even use mosquito repellent coils, etc. यहाँ पे आपने क्या लिखा कि मेरे जो घर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो mosquito repellent आता है उसको यूज करते हैं. मेरे फ्रेंड के घर में भी वही सेम चीज यूज होती है और एक कॉइल आती है जिसको अपन सबने देखा है मच्छर भगाने के लिए जो कॉइल का यूज होता है वो उसके फ्रेंड के घर में होता है. नेक्स्ट इज लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर. व्हिच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज मलेरिया. आपको ये रिपोर्ट देखनी है जो कि ब्लड टेस्ट की है. ऐसे कौन से वर्ड्स हैं रिपोर्ट में जिसको देख के अपन बता सकते हैं कि उसको मलेरिया है. तो अपन आंसर में लिखेंगे, इन द रिपोर्ट इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल शोज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. अपन को जो ये रिपोर्ट है उसमें क्लियरली क्या दिया हुआ है, मलेरिया पैरासाइट जो है वो ब्लड में दी गई है जिसका भी ये ब्लड है. इससे अपन को पता चल रहा है कि उस पर्सन को मलेरिया है. एनीमिया व्हाट्स दैट. आरटी यू नो आई आल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ फुल ऑफ ब्लड. द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया. यहाँ पे जो आरती है वो बोल रही है मैंने भी एक बार ब्लड टेस्ट कराया था या मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, उसमें उनने एक फुल सिरिंज जो थी ब्लड की वो ली मेरे अंदर से और जो ब्लड टेस्ट था उसमें क्या दिखा कि मुझे एनीमिया था. रजत व्हाट इज दैट, वो क्या है. द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड. द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ. ही Also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron. आरती बोलती है कि डॉक्टर ने मुझसे बोला कि जो मेरा ब्लड है उसमें क्या हीमोग्लोबिन और आयरन बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए उन्होंने कुछ मेडिसिंस दी हैं जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़े या मुझे स्ट्रेंथ मिले. और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स आंवला गुड़ ये सब चीज़ें खाना है क्योंकि इनमें आयरन होता है. नैन्सी हाउ कैन देयर बी आयरन इन आर ब्लड. हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है. जिसकी रत देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर येस्टरडे. इसके बारे में न्यूज़पेपर में कुछ दिया था. रजत लाफिंग सो देन यू एट आयरन और वॉट. फिर वो हंसते हंसते बोलता है रजत क्या तुमने आयरन खाया था या कुछ और. आरती सिली दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज. आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इज वॉज आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप. वो बोलती है पागल हो क्या, आयरन तो ही ना खाते हैं, ये आयरन नहीं जो की में बनता है. मुझे नहीं पता इसके बारे में एग्जैक्टली क्या है आयरन, बट जब मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स खाई और जो भी डॉक्टर ने कहा था वो सब खाया तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया, ऐसा आरती बोलती है. अब यहाँ पे दिया है लुक एट आरती's ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन. ये आरती की रिपोर्ट है, अपन को उसमें देखना है मिनिमम हीमोग्लोबिन. बाय सीइंग आरती's रिपोर्ट
ब्लड रिपोर्ट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन इज 12 ग्राम. How much did Aarti's hemoglobin go up and how long did it take for that? Aarti जो थी उसका hemoglobin कितना बढ़ा और कितने time में ये बढ़ा? Answer is by seeing Aarti's blood report, hemoglobin increased by 2.5 gram which took almost 3 months to increase. 2.5 gram बढ़ा और 3 महीने में बढ़ा. What does the newspaper report say about the problems caused by anemia? ऐसी कौन सी problems हैं जो कि newspaper में दी गई थी anemia से related? ये anemia कॉज करती हैं वो वाली प्रॉब्लम्स. सो आंसर में आप लिखेंगे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट स्टेट्स दैट एनीमिया अफेक्ट्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड. इट कॉजेज प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रंस ग्रोथ, रिड्यूसिंग देयर एनर्जी लेवल्स विच इन टर्न्स अफेक्ट देयर एजुकेशन. जो न्यूज़पेपर था उसमें एनीमिया के बारे में क्या दिया था कि ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को इफेक्ट करती है एक बच्चे की. इससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, और ये सब चीज़ें कहाँ पे अफेक्ट करती हैं? एजुकेशन में अफेक्ट करती हैं. हैव यू और anyone in your family ever needed to get a blood test, when and why? कि आपकी फैमिली में कभी किसी ने ब्लड टेस्ट कराया है, कब या क्यों? आपको ये आंसर देना है. Yes, last month when I was down with fever, I got a blood test done. It resulted in malaria. जब मैं लास्ट ईयर मुझे फीवर था तब मैंने ब्लड टेस्ट कराया था और फिर मुझे मलेरिया निकला. What was found out by blood test? और ब्लड टेस्ट से क्या फाइंड आउट हुआ? By doing the blood test, we got to know that I was suffering from malaria. जब ब्लड टेस्ट कराया तो हमें ये पता चला कि मुझे मलेरिया था. Have you had a health checkup in your school? What did the doctor tell you? क्या आपके स्कूल में health checkup हुआ है? डॉक्टर ने आपको क्या कहा? Yes, we had a health checkup 2 months back at our school. The doctor told I was fit and fine. 2 महीने पहले हमारे स्कूल में health checkup हुआ था. डॉक्टर ने कहा कि मैं एकदम fit and fine हूँ. Ask a doctor or elders about the food items which contains iron. आपको ऐसे फूड आइटम्स के बारे में पूछना है अपने एल्डर्स से या डॉक्टर से कि जिनमें आयरन हो. When I asked the doctor about the food items which contains iron, the doctor suggested that green leafy vegetables like spinach, cabbage, etc. contains iron. जब मैंने डॉक्टर से पूछा ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिनमें आयरन होता है, तो उन्होंने मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स बताई, जैसे पालक हुई, पत्ता गोभी, ये इन चीजों में आयरन होता है. बेबी मस्किटोज जिसकी रद, देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड हर क्लास. ये जो पोस्टर है उनकी क्लास के बाहर लगा हुआ था. रजत, द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वे, व्हाट आर दोज? रजत बोलता है जो पोस्टर है वो कुछ लार्वे के बारे में बता रहा है. तो ये लार्वे क्या होते हैं? Nancy, they are baby mosquitoes, but they don't like mosquitoes at all. ये छोटे छोटे mosquito होते हैं, means मच्छर के बच्चे बोल सकते हैं, but ये मच्छर जैसे नहीं दिखते. Aarti, where did you see them? तुमने उनको कहाँ देखा है? Nancy, there was an old pot lying behind our house. It was full of water from some days. When I looked there, I saw tiny thread like grey thing swimming. I was surprised when mama told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lays in water. They are called larvae. I also heard something about this on the radio. Nancy बोलती है कि एक पुराना पॉट था जो कि हमारे घर के पीछे रखा हुआ था. मैंने उसमें क्या देखा, उसमें पानी भी भरा हुआ था और उसने उसमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक मीन्स धागे की तरह ग्रे कलर की कुछ चीज़ें देखी जो कि तैर रही थी. वो सरप्राइज हो गई जब उसकी मम्मी ने उससे बोला कि ये
एग्स में से निकले हुए थ्रेड्स हैं जो कि मस्कीटो ने वाटर में दिए थे, और इनको अपन लार्वे बोलते हैं, और इनके बारे में उसने रेडियो में भी पढ़ा था या सुना था। रजत, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पॉट एंड कैप्ट इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर कुड कलेक्ट। यहाँ पे क्या बोल रही है वो, मेरे पापा ने उसका पानी जल्दी से खाली कर दिया और उसको सुखा के और धो के रख लिया जिससे कि उसमें कोई भी वाटर कलेक्ट ना हो पाए। जसकिरत, शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स। जो जसकिरत थी वो बोलती है, शाजिया आंटी ने मुझसे बोला है कि जो फ्लाइज होती हैं वो भी बीमारियां फैलाती हैं, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम। रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिसीजेस। वो बोलता है बट जो फ्लाइज हैं वो तो काटते ही नहीं है, फिर वो कैसे डिसीज फैलाती हैं। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने जो पीछे पोस्टर दिया है वो कहीं देखा है? और यस, दीज पोस्टर्स आर यूजली पुट ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड्स। ये जो पोस्टर्स हैं ये यूजली कहाँ लगे होते हैं? स्कूल के नोटिस बोर्ड पे। हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स और गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर? कौन ऐसे पोस्टर्स लगवाता है और एड देता है न्यूज़पेपर में? गवर्नमेंट अथॉरिटी में पुट अप सच पोस्टर्स और गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर बाय डूइंग सो दे आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट ऐसा करती है क्योंकि उनको इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन देनी होती है सभी लोगों को। What are some of the important points given in the poster? कौन कौन से important points हैं जो कि poster में दिए हुए हैं? First is warning alerts regarding the diseases caused by the mosquito bite. Second is fill up the pits and don't let water to stagnate around your home. Every corner should be kept clean and no moisture should be there so that mosquito don't get to breed. Next is protect yourself from mosquitoes by using mosquito repellents by spraying kerosene on the water stagnant, thereby it reduces the further growth of mosquitoes. यहाँ पे कुछ अपन को जो पॉइंट्स दिए थे अपन ने वही आंसर में लिख दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन को क्या दिया था कि मच्छर के काटने से जो भी डिसीजेज होती हैं उनका वार्निंग अलर्ट दिया था। नेक्स्ट इज उन्होंने बोला था कि आपके पास कुछ भी हो पॉट वगैरह तो उनको पानी भरा हुआ ना रखें उसमें, और जो आपके घर के कॉर्नर्स वगैरह हैं उनमें भी कोई भी मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, वरना मस्किटो जो हैं वो अपना घर वहाँ बना लेते हैं। और अपने आप को मस्किटो से कैसे बचाना है, मस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करके। और लास्ट पॉइंट क्या था, केरोसिन ऑयल जो होता है उसको स्प्रे करके जिससे कि जो ग्रोथ है मस्किटोज की वो रुके। वाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ अ टैंक कूलर एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर? ये जो पिक्चर्स थी कूलर की, टैंक की, इन चीज़ों की, ये पोस्टर में क्यों दी गई हैं? आंसर इज एट दीज एरियाज इट इज ईजी फॉर मस्किटोज टू ब्रीड सिंस देयर वुड बी वाटर स्टेगनेंट। ऐसी जगहों पे मच्छर ज़्यादा पाए जाते हैं या ज़्यादा होते हैं इसलिए ऐसी पिक्चर्स दी गई हैं। Why do you think it talks about putting fish in the tank? What do you think the fish eats? जो fish होती हैं pots में या tank में वो क्यों होती हैं और वो क्या खाती हैं? Answer is by putting the fish in the tank, it eats up the larvae of mosquitoes so that there won't be any breeding. जो बच्चे होते हैं mosquito के उनको fish खा लेती है। What will happen when oil is spread on the water? क्या होता है जब जो oil है वो पानी पे spread हो जाए तो? When oil is poured on the water, it stops the oxygen supply to the mosquitoes larvae to grow.
hence it kills them. जो ऑयल होता है वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होने से रोक लेता है, जिससे कि जो मस्कीटो के लार्वे होते हैं वो ग्रो नहीं करते और उनको किल कर देते हैं. फाइंड आउट विच डिसीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ, कौन से डिसीज फ्लाइज से होती हैं और कैसे. फ्लाइज ट्रांसमिट पैथोजेंस विया टच और फ्रॉम bodily fluids including from their saliva, feces, vomit and urine. They can transmit parasites and bacteria that cause various infections. The most common are typhoid, roundworm, etc. यहाँ पे आपने क्या लिखा आंसर में कि जो flies हैं वो pathogens को transmit करती हैं अपने सलाइवा के थ्रू, फीसेस के थ्रू या वॉमिट या यूरिन के थ्रू. इससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो फैलते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन को कॉज करते हैं. टाइफाइड, कोलेरा, ये सारी चीज़ें फ्लाइज से होती हैं. ये सारी डिसीजेस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं. मस्कीटो चेक, डिवाइड योर क्लास into two or three groups. Each group will go around to check one area and school around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark where it finds stagnant water. आपको अपने क्लास को टू और थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करना है. सभी ग्रुप स्कूल का जो पूरा एरिया है उधर पे डिवाइड हो जाएंगे देखने के लिए कि कहाँ पानी जमा है, और जहाँ पे जमा है तो उस पर आपको टिक मार्क करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ देखा मैंने वहाँ टिक कर दिया, और कोई अदर प्लेसेस हैं तो वो भी आपको यहाँ पे लिखनी है. सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर, और आपको पता करना है कि वहाँ पे कितने दिनों से पानी जमा है. आंसर इज द वाटर हैज़ बीन कलेक्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, एक हफ्ते से जमा है. Who is responsible for keeping these places clean? कौन इन जगहों को साफ करने के लिए responsible है? At home, we are responsible to keep the house clean. At school, the school authorities are responsible to maintain the premises clean. Outside the premises, it's municipality's responsibility to keep it clean. घर में तो हम उसको साफ करते हैं, स्कूल में स्कूल अथॉरिटी उसको साफ करवाती है, एंड जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं या कोई भी घर के बाहर जो चीज़ें होती हैं वो म्यूनसिपालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको साफ कराएं. हु इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड, आंसर इज द गवर्नमेंट म्यूनसिपालिटी अथॉरिटी इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड. कौन जो गटर और नाली होती है इन चीज़ों को साफ करवाता है या रिपेयर करवाता है, तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को करवाती है. कैन एनी लार्वे बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, क्या जो वो वाटर है आपने देखा अपने स्कूल में उसमें आप लार्वे देख सकते हैं? येस, इन द कलेक्टेड वाटर देर कुड बी लार्वेज. हैज इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, राइट, क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है उस एरिया में? यस, द एरिया बीइंग डर्टी इट मेक्स इजी फॉर द मस्कीटोज टू ब्रीड, हेंस दीज मस्कीटोज क्रिएट अ मैस इन द एरिया ओवरऑल. वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा पानी है जिससे कि मस्कीटोज को क्या इजी हो जाता है ब्रीड करना. इसकी वजह से मस्कीटोज जो है वो वहाँ पूरे एरिया को घेरे हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा मैस फैला रखा है उन्होंने. इन योर ग्रुप मेक अ पोस्टर विद अ मैसेज टू कीप द cooler thing drains in the area clean. Wherever water collects, put up pure poster in and around your school. अब ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक पोस्टर तैयार करना है और अपने स्कूल के में लगाना है. ये स्कूल की वॉल पे लगा सकते हैं, आप कहीं पे भी नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं. उसमें आपको ये मैसेज देना है कि आप दूसरों को कि जो कूलर टैंक और ड्रेन्स होती हैं इन चीज़ों में पानी कलेक्ट ना होने दे या इनको साफ कराते रहे. फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन, राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस. फाइंड आउट टू होम द लेटर योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस. फाइंड आउट टू होम द लेटर शुड बी रिटन एंड टू विच ऑफिस इट वुड बी सेंट. अब
इधर आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आपका स्कूल है उधर के आसपास सफाई कौन करवाता है, या फिर कोई भी एक ऑफिसर या कुछ भी जो आपकी एप्लीकेशन को या लेटर को एक्सेप्ट करे। तो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि आप लेटर किसको देंगे जो आपके स्कूल के आजू बाजू साफ सफाई करवा सके। देन आप उनको एक लेटर लिखेंगे कि हमारे स्कूल के आजू बाजू या स्कूल में साफ सफाई नहीं होती है, इस रिगार्डिंग आपको एक लेटर लिखना है। आप अपने टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। Some children did this survey, here are some of their reports. अब जो बच्चों ने सर्वे किया उसकी reports क्या आई? We found something green around the taps in our school, which is called algae. Due to algae, a kind of plant, it had also become slippery there. The algae spreads a lot during the rainy season. We think that they are some kinds of small plants that grow in water. जो ग्रुप वन था उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि स्कूल के जो नल वगैरह हैं उनके आजू बाजू एक ग्रीन कलर की एल्गी जमा हो गई है। वो क्यों जमा होती है, जब बहुत ज़्यादा पानी होता है तब, या फिर रेनी सीजन में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी भी है, और ये किसी टाइप के प्लांट्स हैं जो कि पानी में, ऐसा उन बच्चों को लग रहा है। ग्रुप टू ने क्या दिया, देयर इज अ पॉन्ड नियर द स्कूल, एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीस प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्व्स इन वाटर अराउंड द पॉन्ड, देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर, वी ऑल्सो सॉ सम लार्वे इन द वाटर, एज वी मूव्ड अराउंड लॉट्स ऑफ मस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड, जस्ट केयर फील्स दैट देयर आर सो मैनी मस्किटोज इन हर हाउस बिकॉज ऑफ द डर्टी पॉन्ड नियर बाय। सेकेंड जो ग्रुप था उन्होंने देखा कि उनके स्कूल के पास एक पॉन्ड है जहाँ पे आप तो पहले पानी नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर पूरे में प्लांट्स हैं। एक आंटी ने उनको बताया कि ये जो प्लांट्स हैं ये अपने आप उगे, इनको किसी ने उगाया नहीं है। और जब वो बच्चे उसके पास गए पानी के पास या प्लांट्स के पास, तो वहाँ से बहुत सारे मच्छर उड़ के चले गए। फिर जसकीरत को लगा कि उसके घर के पास इसलिए इतने सारे मस्कीटोज हैं या घर में इतने सारे मस्कीटोज हैं क्योंकि उनके घर के पास पॉन्ड है। Tell, is there a pond or river around your house or school? Go and look around and observe these things. आपको अपने घर या स्कूल के पास देखना है कोई पॉन्ड है, फिर आपको वहाँ जाके देखना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। आपको ऑब्जर्व करना है कि पॉन्ड के आसपास क्या क्या हो रहा है या क्या क्या है। Can you see algae in or around the water? क्या आप algae को देख सकते हैं वहाँ पे पानी में या पानी के आसपास? Yes, we can see algae formed in or around the water. हाँ हम देख सकते हैं। Where else have you seen algae? और कहाँ पर algae देखी है आपने? We can see algae on dam walls, dam floor, etc. Next is, are there plants growing on the side or in water? Find out their names. Draw some of these in your notebook. आपको plants देखना है कि क्या प्लांट्स उग रहे हैं पानी में या पानी के आइट साइड, फिर आपको उनके नेम्स करने हैं और उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। येस देर आर प्लांट्स विच ग्रो ऑन द साइड और इन द वॉटर लाइक मोसेस, लीवरवॉर्ट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? क्या आपको लगता है इनको किसी ने उगाया होगा या फिर ये अपने आप ही उगे हुए हैं? No, these plants grown by themselves, no need for someone to plant them. ये अपने आप उगे, किसी ने उनको उगाया नहीं है या इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती उगने के लिए। What else can you see in the water? Make a list. आप और क्या देख सकते हैं पानी में? We can see fishes, crabs, tortoise, etc. in the water. ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया है, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मच्छर के पेट में झांका। तो ये स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, आप इसको जरूर रीड करिए एक बार।
आपको अब क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वी हैव लर्नड, व्हाट कैन यू डू दैट मस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस स्कूल एंड नेबरहुड. आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके स्कूल में या आपके आस पड़ोस में मच्छर जो है वो ब्रीड ना कर सकें. तो आप आंसर में लिखेंगे, वी हैव टू अवॉइड वाटर लॉकिंग, कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, स्प्रे एनी केमिकल टू अवॉइड मस्किटोज टू ब्रीड, यूज फिशेज इन वाटर सो दैट इट अवॉइड्स मस्किटो लार्वे फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर एक्सेट्रा. आप क्या कर सकते हैं, पानी को कहीं कलेक्ट ना होने दें, फिर अपने आसपास की जगह को साफ रखें. नेक्स्ट इज आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी केमिकल्स जो हैं जो मस्किटो को भगाते हैं या उनको ब्रीड नहीं होने देते, उन केमिकल्स को स्प्रे कर सकते हैं. आप फिशेस को डाल सकते हैं पानी में, जिससे कि वो मस्किटो के जो लार्वे हैं उनको खाएंगी और आपके यहाँ और मच्छर नहीं होंगे. नेक्स्ट इज हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज मलेरिया. आप कैसे पता करेंगे कि किसी को मलेरिया है. वी कैन चेक इफ समवन इज हैविंग मलेरिया. वी कैन चेक इफ समवन हैविंग मलेरिया इफ द ब्लड रिपोर्ट शोज पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ मलेरिया. हम ब्लड टेस्ट करा के ये पता कर सकते हैं कि उस इंसान को मलेरिया है या नहीं, अगर जो उसकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई तो. अब यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में, आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.